बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक है पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आज चर्चा करने आपसे चल रहा हूं। बच्चों, आज हम अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपनी भाषा में प्रभाव लाने के लिए, उस भाषा को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं। बच्चों, अनेक शब्दों के जो वाक्य दिया गया है, ठीक है, उस वाक्य के अंश को, एक अंश को अलग करके उसकी जगह पे एक छोटा सा शब्द अगर रख देते हैं तो वह भी वही अर्थ देता है जो अर्थ वो वाक्यांश पूरा का पूरा दे रहा है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि वाक्यांश में, ठीक है, उस वाक्य का जो छोटा सा एक वाक्यांश, वाक्य का जो एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, अगर उस टुकड़े की जगह वाक्यांश, आप सब समझते होंगे कि वाक्य क्या होते हैं बच्चों, वाक्य अनेक शब्दों का समूह होता है, ठीक है, जिन्हें हम वाक्य कहते हैं, सार्थक समूह होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो वाक्यांश का मतलब होता है कि उसी वाक्य का एक अंश, एक छोटा टुकड़ा, लेकिन फिर भी उसमें कम से कम दो तीन शब्द तो जरूर होते हैं। तो उस वाक्यांश की जगह पे हम एक शब्द का अगर प्रयोग करें, किसी ऐसे एक शब्द का प्रयोग करें जो उस पूरे वाक्यांश का बोध अकेले कराने में सक्षम, और सक्षम ही न हो, वह उसे बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सके, ठीक है, हमारा वाक्य जो है बहुत सुंदर लगने लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो वाक्य है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये कैसे और क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इन सब के पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हमारा एक शब्द है, आइए हम उसकी परिभाषा देख लें क्या कि इसे कहते किसे हैं। तो बच्चों, आप सब यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाया जा रहा है, और इसकी परिभाषा होगी बच्चों कि ऐसे शब्द, कैसे बच्चों, ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। फिर से आइए देखते हैं और समझने का इस परिभाषा को प्रयास करते हैं, सब इस परिभाषा को हम समझें, ठीक है। तो शुरू से आप फिर से देखिए कि ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे वाक्यांश, पूरे वाक्यांश का मतलब है कि पूरे के पूरे जो वाक्यांश है, एक पूरा वाक्य दिया गया है, अगर उसका कोई टुकड़ा है, ठीक है, तो उस पूरे वाक्यांश या तो क्या बच्चों, अनेक शब्दों का ज्ञान, ठीक है, क्या करना बच्चों, अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान अकेले ही कराने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि पूरे वाक्यांश का बोध अकेले करा दें ऐसे शब्द, या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान, मतलब जैसे दो या दो से अधिक जितने भी शब्द हैं वाक्य में दिए गए हैं, ठीक है, उन शब्दों का ज्ञान अकेले ही कराने में जो सक्षम होते हैं शब्द, ऐसे उस अकेले शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब हम क्या करें, आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कैसे कोई अकेला शब्द पूरे वाक्यांश का बोध अकेले कराने में समर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखें, तो बच्चों आइए चित्र के माध्यम से हम समझें। जैसे यहां पे जो है वह ताजमहल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, किसका बच्चों, ताजमहल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यह इमारत क्या है, पुराने जमाने की, किसकी है, यह इमारत बच्चों क्या है, पुराने जमाने की, ये कहा गया है। इस इमारत के बारे में, मतलब ताजमहल,
बहुत पहले बनाई गई थी मुगलों के शासनकाल में। तो यह इमारत क्या है, पुराने जमाने की है, नीचे लिखा गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि पुराने जमाने की है, ये जो यहां पे वाक्यांश दिया गया है, वाक्य पूरा क्या हो गया, यह इमारत पुराने जमाने की, ठीक है। लेकिन जो इस वाक्य का वाक्यांश है, पुराने जमाने, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये वाक्यांश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी वाक्यांश की जगह पे कोई एक ऐसा हम शब्द रखते हैं, ठीक है, जो इसका ज्ञान अकेले ही कराने में समर्थ हो या सक्षम हो और भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बना सके, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो इस पुराने जमाने की जगह हम अगर प्राचीन शब्द का प्रयोग कर दें, प्राचीन का भी अर्थ पुराना होता है, प्राचीन का भी मतलब पुराना होता है, पुराने जमाने का होता है। तो अगर हम यहां पे कर दें कि यह इमारत प्राचीन, अब आप देखते होंगे कि दो शब्दों की जगह पे एक अकेले शब्द में, एक अकेले शब्द ने वो जगह ले ली, किसकी, दो शब्दों की जगह एकमात्र अकेले शब्द ने ले ली है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो पूरा वाक्य है वो बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ आपको नजर आ रहा है। यह इमारत पुरानी जमाने की है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यह इमारत प्राचीन। ये जो प्राचीन शब्द है वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का काम कर रहा है, अतः इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको एक लड़का है दिखाई दे रहा है जो मेज पे लिख रहा है, मतलब एक तरह से बैठ करके टेबल और चेयर पे बैठ करके लिख रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बच्चा यहाँ पे बैठा आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है बच्चों, मोहन उसका नाम है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि मोहन पढ़ना लिखना जानता है। क्या करता है बच्चों, मोहन पढ़ना लिखना जानता है। अब हम ये देखेंगे कि इस वाक्य का जो वाक्यांश है, वाक्यांश क्या है बच्चों, वाक्यांश है पढ़ना लिखना, क्या है, पढ़ना लिखना। अब हम ये देखते हैं कि जो पढ़ना लिखना है, ठीक है, इसमें अगर हम इन दो शब्दों की जगह पे अगर किसी एक शब्द का, ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें जो इन दोनों शब्दों का ज्ञान अकेले ही कराने में समर्थ हो और वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर भी बना सके, ठीक है, तो वो कौन सा होगा। अगर हम पढ़ना लिखना जानते हैं बच्चों तो हमें क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है कि जिसे पढ़ना लिखना आता है बच्चों उसे हम साक्षर बोलते हैं, साक्षर कहते हैं। तो इस पढ़ना लिखना की जगह, मतलब ये जो पूरा वाक्य है, मोहन पढ़ना लिखना जानता है, अगर इस वाक्य का जो वाक्यांश है पढ़ना लिखना, अगर हम पढ़ना लिखना की जगह पे साक्षर शब्द का प्रयोग कर दें तो जो ये साक्षर शब्द है यह अकेले ही, ठीक है, दो जो यहाँ पे अक्षर, दो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं या जो ये वाक्य का वाक्यांश दिया गया है उसके अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराने में समर्थ है ये साक्षर शब्द, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बच्चों, और ये वाक्य को प्रभावशाली भी बना रहा है, सुंदर भी बना रहा है। तो यहां पे ये हो जाएगा नया, अगर हम वाक्य बनाएंगे कि मोहन साक्षर है, ठीक है, क्या है, मोहन साक्षर है। यहां पे ये है कि मोहन पढ़ना लिखना जानता है, इसकी जगह पे अगर हम ये सब ये कहते हैं कि मोहन साक्षर है तो भी हमारा वाक्य सही है, सही ही नहीं है बल्कि पहले से अधिक प्रभावशाली और सुंदर भी हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम साक्षर को जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की संज्ञा दे सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं, आइए उन्हें भी देख लें और समझने का प्रयास करें कि आखिर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों कह रहे हैं या इन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों कह रहे हैं। आइए देखते हैं, ये उदाहरण है, ये पूरे पूरे उदाहरण है, कितने हैं बच्चों, सात उदाहरण, कितने हैं, सात उदाहरण है। ये ऊपर से नीचे तक इनकी लिस्ट दी गई है, जैसे ये है कि इनमें से पहला जो हम देखते हैं क्या है, पहला उदाहरण आइए देखें
पहले उदाहरण में हम ये देखते हैं कि जो परीक्षा में क्या दिया है बच्चों, जो परीक्षा में पास हो, दिया गया है कि जो परीक्षा में पास हो। अब हम अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं बच्चों, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, उत्तीर्ण हो गए। तो हम ये देखते हैं कि इस परीक्षा में पास हो, इस पूरे वाक्यांश की जगह पे हम क्या करते हैं बच्चों, अगर उत्तीर्ण का शब्द का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाता है, ये पूरे पूरे वाक्यांश का अर्थ अकेले ही कराने में, अकेले ही ज्ञान कराने में सक्षम हो जाता है। जैसे अगर हम ये कर दें कि परीक्षा में पास हो, अगर ये है इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उत्तीर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन परीक्षा में पास हो गया, अगर ये शब्द अगर आ जाए, क्या आ जाए, अगर मोहन परीक्षा में पास हो गया, इस पूरे इस वाक्य जो ये दिया गया है, इस वाक्य का जो परीक्षा में पास हो गया, इसकी जगह पे हम अगर एक शब्द का अगर प्रयोग कर दें उत्तीर्ण, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि मोहन उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मोहन उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण होने का तात्पर्य यही हो जाएगा कि वह परीक्षा में पास हो गया। अब आइए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, दूसरा जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। जैसे जो परीक्षा में पास न हो, अगर कोई परीक्षा में पास अगर नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, इन शब्दों की जगह या इन वाक्यांशों की जगह, ये जो वाक्यांश दिया गया है कि जो परीक्षा में पास न हो, इसकी जगह पे हम अगर एक शब्द का अगर प्रयोग करें बच्चों तो वह हो जाएगा अनुत्तीर्ण। मतलब जो परीक्षा में पास न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुत्तीर्ण। तो अगर ये अगर वाक्यांश अगर आपको किसी भी शब्द वाक्य में अगर दिखाई दे तो आप उसकी जगह पे अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरे के पूरे वाक्यांश का बोध अकेले ही कराने में सक्षम। ठीक है, और क्या कर रहा है बच्चों, ये वाक्य को प्रभावशाली भी बना सकता है या प्रभावशाली भी बनाएगा। अब आइए आगे भी चलते हैं। जो सदा सत्य बोलता हो, क्या है बच्चों, जो सदा सत्य बोलता है। अब हम ये देखते हैं कि जो सदा सत्य बोलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आप सबने हरिश्चंद की कहानी पढ़ी होगी। राजा हरिश्चंद थे, वो क्या करते थे बच्चों, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, इसलिए हम उन्हें क्या कहते थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद। ठीक है, तो जो कभी झूठ न बोलता हो, जो हमेशा सच बोलता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सत्यवादी कहते हैं। ये सत्यवादी जो शब्द है, इस पूरे के पूरे वाक्यांश का बोध अकेले ही कराने में सक्षम है। आइए अगले वाक्यांश पे चलते हैं। तो अगला वाक्यांश है, जो शिकार करता हो। अगर कोई शिकारी है, मतलब अगर शिकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है, हमेशा उसका पेशा ही है शिकार करना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम शिकारी कहते हैं। मतलब उसका पेशा ही है, वो सुबह उठ करके वह शिकार करने के लिए निकल जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शिकारी कहते हैं। शिकार करता हो, इस वाक्यांश की जगह पे शिकारी शब्द पूरी तरह से फिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा वही अर्थ देगा जो ये वाक्यांश शिकार करता है देता है, वही पूरा का पूरा अर्थ शिकारी भी देगा। यही ही नहीं, ये वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर भी बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अगले वाक्यांश पे चलते हैं। तो अगला वाक्यांश है हमारा बच्चों, लालच करने वाला। क्या है, लालच करने वाला। लालच करने वाला को हम लालची कहते हैं। ठीक है, लालची जो शब्द है, ये लालच करने वाले की जगह पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, वाक्यांश को या वाक्य को जो है यह प्रभावशाली भी बनाएगा, प्रभावशाली और सुंदर बनाने का काम करेगा ये। अब आइए अगले वाक्यांश पे चले। अगला वाक्यांश है हमारे बच्चों, जो चित्र बनाता हो। ठीक है, चित्र बनाने वाला, अगर कोई चित्र बनाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। आप सब जानते भी होंगे कि चित्रकार शब्द से परिचित भी होंगे। हम कहते हैं कि हम चित्रकारी कर रहे हैं, अगर हम कोई अगर काम कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम चित्रकारी कर रहे हैं। तो चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, चित्रकार कहते हैं। ये जो चित्रकार शब्द है, ठीक है, इस पूरी की पूरी वाक्यांश का ज्ञान अकेले ही कराने में सक्षम है। ये अकेले ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि जिस वाक्य में आएगा, ठीक है, उस वाक्य को सुंदर और सुदृढ़ बनाने का भी काम करेगा। अब आइए देखते हैं अगला जो है हमारा वाक्यांश है, वह है
मास में एक बार होने वाला, मतलब आप सब जानते होंगे कि अगर महीने में कोई काम एक बार हो रहा है, एक मास को महीना भी कहते हैं, मंथ भी कहते हैं, तो ये जो एक मास में, मतलब एक मास में होने वाला अगर कोई अगर काम हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आपका टेस्ट होता है, ठीक है, तो उस टेस्ट में कभी कभी आपको देखिए मंथली टेस्ट होता है, जिसे मासिक टेस्ट भी कहते हैं हम सर, ठीक है, तो वह महीने में एक बार होता है। तो अगर महीने में कोई एक बार अगर कोई हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम मासिक कहेंगे। जैसे आप सब भी कहते हैं कि मासिक टेस्ट होगा हमारा, मंथली टेस्ट होगा, जो हमारा ये महीने का टेस्ट है वह होगा, एक महीने में होने वाला जो भी है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे मासिक, ठीक है बच्चों। तो आप सब अच्छे से समझ गए, एक बार फिर से हम ऊपर से नीचे तक इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किसको किस वाक्यांश की जगह पे कौन सा शब्द अच्छे से बैठ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारा पहला वाक्यांश है, जो परीक्षा में पास न हो उसे हम उत्तीर्ण कहते हैं, जो परीक्षा में पास हो उसे हम जो परीक्षा में पास हो उसे हम उत्तीर्ण कहते हैं, जो परीक्षा में पास न हो उसे हम अनुत्तीर्ण कहते हैं, सदा सत्य जो बोलता है उसे हम सत्यवादी कहते हैं, जो शिकार करता हो उसे हम शिकारी कहते हैं, और लालच करने वाला इसे हम लालची कहते हैं, और जो चित्र बनाता हो इस वाक्यांश की जगह पे हम चित्रकार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मास में क्या होने वाला, एक बार होने वाला इस वाक्यांश की जगह पे हम मासिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली तो बनाएगा ही, और इस वाक्यांश की जगह पे अकेला ही अर्थ देने में वह समर्थ हो जाएगा। तो बच्चों फिलहाल आज के लिए और इस पाठ से बस इतना ही, धन्यवाद।